आज जो हम बताने वाले अजंता शहर में सरकारी हॉस्पिटल की तरफ जो रास्ता आता है उसी में जो एक पाइप डाला जा रहा है ग्राम पंचायत की तरफ से, तो इसी में हम तारक भाई से पूछेंगे। तारक भाई का क्या बोलना है पाइप के बारे में, क्या बोलना चाहिए तारक भाई? ग्राम पंचायत अजंता की तरफ से पूरे कम से कम 1.25 से 1.5 साल के बाद और नई ग्राम पंचायत बनने के पूरे मुकम्मल 1 साल के बाद ये नाली का काम हो रहा, और वो भी ऐसा हो रहा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। साधन भाई भी आ रहे हैं उस तरफ से, जो राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार साहब का जो स्कूल है, तो हम साधन भाई से बात करेंगे। साधन भाई क्या बोलना चाहेंगे पाइप के बारे में, जो पाइप डालेगा इसके? ये कैसा है, इसके ऊपर जो तो सीमेंट वगैरह होना चाहिए था, और सीमेंट का खड़ी का तो थोड़ा सा ब्रेकर टाइप भी होना चाहिए था, और अच्छा काम होना चाहिए था। तो अभी कैसा है, थुका लगाने वाला काम हो गया कि भाई जैसा थोड़ा सा गाड़ी पास हो जाना बोल के, और ये टूट जाएगा इससे, गाड़ी जब जाएगी बड़ी गाड़ी कोई चले जाए ना इसके ऊपर से तो टूटने का भी डर है। अच्छा, ज़्यादा लोडिंग गाड़ी गई तो? ज़्यादा लोड कभी हो गया या स्कूल का कुछ अनाज वगैरह आता है वो गाड़ी वैसी गई, या कोई ट्राला गया चले गए इधर काम के लिए ईंट सीमेंट वगैरह, तो उसकी वजह से टूट सकता है। तो देखिए, हमने साधन साहब से भी बात करे। अभी हटो, ये जो पाइप है पुराना डाला हुआ, इसकी साइज देखो और वो जो पाइप डाला जा रहा है उसकी साइज देखो, दोनों में ये जितना पाइप है उसकी आधी साइज का वो पाइप है। और मुसलसिल हमने निवेदन दिए, तोंडी बोले, बार बार हमने पाठ पुरावा करे, लेकिन हमारी कोई दखल नहीं लिए गई। हमने बार बार ये बोले कि यहाँ पे ट्रॉमा केयर सेंटर है, ग्रामीण रुग्णालय है, जिला परिषद का केंद्रीय प्राथमिक स्कूल है, कन्याशाला, इधर आमदार साहब का स्कूल है, बहुत सारे लोग आते जाते, पीछे आबादी है, लेकिन कोई किसी ने कान पे नहीं लिया। लेकिन अब नाली बिल्कुल टूट गई थी, तो अब उसको कैसा भी करके बस वो लिपापोती वाले टाइप में जो बात है ना, उस टाइप से लाके पाइप डाले जा रहे। ये बिल्कुल आधे साइज़ के पाइप है, नाखिस है, और ये नाली और ये पाइप दोनों भी टिकने वाले नहीं, बहुत जल्दी इसका ये भी ब्लॉक हो जाएंगे, ये टूट जाएंगे। अच्छा ताहिर भाई, एक बात ये भी है कि जो रोड का कॉन्ट्रैक्टदार था, रोड वाले का कॉन्ट्रैक्टदार था इसका, तो इसके तरफ ढापा डालने का था पहले, इससे पहले तो इसने रोड का कॉन्ट्रैक्ट आधा अधूरा छोड़ के चल गया, उसके बारे में क्या बोलिए? नहीं, उसके बारे में ये मालूम ही नहीं कि उसके तरफ था या नहीं था, मैंने उसके बारे में भी बोला था, और जिला परिषद के बांधकाम उप विभाग के जो डिप्टी इंजीनियर है भोसले साहब, मैंने उनको भी बोला था, तो उन्होंने भी आके देखे, लेकिन उनका ये बोलना था कि ग्राम पंचायत की तरफ है वो। अच्छा, तो हमने तारक भाई से बात करें, और ये पाइप बताएंगे जो पाइप पे प्रॉब्लम आई है। अच्छा, देखिए सामने ये देखो पाइप, ये पाइप पहले बड़ा पाइप था, ये साइज पाइप की, और ये साइज देखिए पाइप की, अभी अभी काम हो रहा है। देखिए उस तरफ हमने पाइप की साइज बताया, और ये साइज में देखिए कितना फर्क है, पानी तो नीचे से आ रहा है ना, पानी नीचे से आ रहा है पाइप, अभी अभी काम हुआ, अब इस पे देखना है ये पाइप चलता या नहीं चलता। ये देखिए यहाँ जो चैम्बर है यहाँ भी ब्लॉक है, ये ढापे का जो पेशेंट इमरजेंसी पेशेंट, डिलीवरी पेशेंट, एक्सीडेंट पेशेंट, एम्बुलेंस को जाने के लिए मुश्किल का सामना करना पड़ा था। अभी जो रोड बन गया, अभी इसके ऊपर मट्टी डाले गए, पाइप डाले के बाद इसके बाद क्या बोलना चाहिए इसके बारे में? ये कोई पाइप डालने का या नाली को जो है तो पहले के जैसा चालू करने का काम नहीं हुआ, बल्कि जो गड्ढा था वो गड्ढे को बंद करने का काम हुआ। इससे को ना पानी जाने वाला है ना उसको नाली बोल सकते, और बहुत जल्दी ये सारे बंद होकर ब्लॉक होने वाला है सब, तो ये कोई काम नहीं हुआ। अगर ग्राम पंचायत इसमें सही तरीके से ढापा बना के नाली को पहले के जैसा चालू नहीं रखती है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम बड़ी तादाद में ग्राम पंचायत के ऊपर, ग्राम पंचायत प्रशासन के खिलाफ धरने आंदोलन या आमरण उपोषण करेंगे। अभी काम चालू, उस तरफ से गाड़ी जा रही है, डिलीवरी पेशेंट या कोई भी पेशेंट इस तरफ से, जो इसका जो ढापा टूट गया था और पाइप टूट गया था, ये सलिए भी बाहर निकले हुए, ये मोटरसाइकिल वाले आते जाते, तो अभी छोटा पाइप होगा, इसके लिए काम रुक गया है। तक भाई अभी काम रुक गया, क्या हुआ इसका, क्यों रुक गया? चालू है, जेसीबी का डीजल खत्म हो गया था। हाँ, ये पाइप का काम तो हो रहा, लेकिन आप देखो गौर से पाइप कहाँ डाले हुए और पानी कहाँ से जा रहा है। अच्छा, और देख लो वो पाइप की साइज, यहाँ से भी देखो वो क्या है और ये साइज क्या है। वो साइज तो बड़ी है, ये साइज छोटी हो गई, बहुत छोटी है।
अच्छा। और दूसरे हमारी डिमांड जो है शुरू से, हमारी शुरू से ये डिमांड है, पिछले एक साल से हमारी ये डिमांड है जब से नाली टूटी कि भाई यहाँ पे ढापा बनाया जाए सीमेंट कॉन्क्रीट। लेकिन हमारी डिमांड पे ग्राम पंचायत की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती। अच्छा तो देखिए सामने हम बताने वाले हैं पाइप की साइज के, बार बार हम इसलिए बता रहे हैं आपको कि यहाँ जो ग्रामीण रुग्णालय है हॉस्पिटल है तो इसी में डिलीवरी पेशेंट जाता है, इमरजेंसी पेशेंट जाता है, एम्बुलेंस जाती है यहाँ से, तो इसी के स्कूल है यहाँ सामने भी जो बच्चे जाते आते। तो अब ये देखना है ये पाइप बैठता या नहीं बैठता इसके। तो देखिए सलिए भी बाहर निकले हुए, काम स्टार्ट होने वाला है, तो अभी देखना चाहिए अभी पानी जाता या नहीं जाता इसमें से पाइप में से। जब से काम नाली का रुके हुआ है तो जब से जो गाड़ी रिक्शा या मोटरसाइकिल या बाइक या अपने वैन जो हॉस्पिटल में उस तरफ से जा रही रास्ता इस तरफ से, तो सारे यहाँ जो हमारे बच्चे खड़े हुए कसम पूछ रहे कि सभी हमारे जो बच्चे खड़े हैं मोहम्मद भाई हमारे सभी दोस्त और सभी बच्चे हैं। तो अभी जो ग्राम पंचायत की तरफ से जो पाइप डाले जा रहा है उसका काम स्टार्ट, अभी जो पाइप का काम होने वाला है ये देखिए सामने जो हमने तारक भाई से बात करे वीडियो में, तारक भाई का भी बोलना है ये भी वीडियो में बताएंगे हम आपको क्या बोले तारक भाई। हमारे सलमान भाई भी सामने खड़े हुए हैं, सलमान भाई को बताते जूमिंग करके जो हमारे सलमान भाई, उसे सलमान भाई को कुछ बोलना चाहेंगे। और चालू होगा बहुत टाइम से बंद था अब चालू। सारे बच्चे देख रहे हैं यहाँ देखिए, जो ग्रामीण रुग्णालय में जो रास्ता जाता है जो इमरजेंसी पेशेंट आते हैं तो वही रास्ते का पाइप ग्राम पंचायत के तरफ से जो डाले जा रहा है, जो बहुत दिन से जो दो साल ढाई साल से परेशानी थी यहाँ जाने आने की रास्ते की, तो देखिए अभी पाइप डाले जा रहा है और इसी के बारे में हम तारक भाई से भी बात करने वाले कैसा काम हो रहा है इसके बारे में। तो लास्ट तक वीडियो देखना चाहिए, बहुत खास वीडियो है ये। मान भाई मौजूद है, तारक भाई मौजूद है और तमाम मोहम्मद भाई मौजूद है और तमाम बच्चे हमारे जो यहाँ नज़र आ रहे हैं आपको उस तरफ खड़े हुए के पास तो उस तरफ निकल जा रहा हूँ। ये पाइप तो फूट गया है इससे, टोटल चार पाइप थे पर अब ये पाइप डाले पूछे जा रहा है। देखिए मटेरियल ये हमारा संजू भाई, तो उस साइड से भी बताने वाले आपको। तो ये बाबा भाई देखिए काम कर रहे हैं थोड़ा, तो बहुत दिनों से प्रॉब्लम थी यहाँ तो अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। तो ये यहाँ सलिए निकले हुए थे तो उसको दबाए बस और नाली भी बुलाओ के हो उनहत्तर भाई, तारक भाई, बशीर भाई पंचायत के तरफ से भाई भी पंचायत के यहाँ लोग यहाँ मौजूद है, पंचायत के कर्मचारी जो हमारे भाई के भाई छोटे जो अभी दुकान पे छुट्टी हुई उनकी,
अरे हमारे जो अहमद भाई भी दिख रहे हैं जो पहला डेमो कर रहे थे मुखपाट के अंदर क्रिकेट के लिए। ये हमारे खालिद भाई का बच्चा है जो उनके पप्पा दुबई में हैं और बोलते हमारे बच्चे का वीडियो डाला कर और बाहर क्या काम देख रहे सभी बच्चे जो काम हो रहा है ग्राम पंचायत की तरफ से। अब ये देखना है पाइप कब तक टिकता या नहीं टिकता इसमें देखना है। काम तो हो गया ग्राम पंचायत की तरफ से। देखिए अभी ग्राम पंचायत की तरफ से यहाँ काम हो चुका है। अब इस पर सूखी मट्टी होना चाहिए। अभी पाइप रहता है या फूट जाता है जिस भी से ये ही नहीं पता है। बिल्कुल ये देखना पड़ेगा। अभी देखिए बज गया लगता शायद। आने जा रहा है तो देखिए मट्टी डाले जा रही इस पे सूखी मट्टी। सूखी मट्टी इस पे डाल रहे हैं। तो डाले गया अब ये देखना है कितने दिन टिकता या नहीं टिकता। बहुत दिनों से प्रॉब्लम थी इसकी ये पाइप की। बहुत लोगों को दिक्कत थी परेशानी थी जाने के लिए हॉस्पिटल में जाने के लिए गाड़ियाँ। बहुत से वीडियो हमने अपलोड करे हुए ये अजंता न्यूज़ पे आप जाके देख सकते हैं। बहुत से हमने वीडियो अपलोड करे हुए इसी के बारे में। बहुत से गाड़ियाँ का टायर इसमें चल गया था नाली के अंदर गटर के अंदर। तो आपने इसको हम तो पाइप निकला था जो वो पाइप है जो पाइप उसमें था ये फूट गया था पूरा। देखिए चला उधर क्या खा रही भाई क्या खा रहे सूरजपुर खा रहे हैं क्या से जल्दी इनका नहीं भाई आ जाओ पहला उद्घाटन रहा नहीं भाई के हाथ से जरा अच्छे तरीके से बांटो क्या था पहला उद्घाटन करे नहीं भाई ने। तो ये देखिए पूरा मुकम्मल ग्राम पंचायत की तरफ से जो पाइप का डालने का काम हो गया है। ये देखिए अब लेवल हो रही है उसकी। तो बहुत से लोगों को पेशेंट को जाने के लिए तकलीफ हो रही थी डिलीवरी पेशेंट एक्सीडेंट पेशेंट और एम्बुलेंस को क्योंकि ग्रामीण रुग्णालय उस तरफ हॉस्पिटल है। हमने बहुत से वीडियो अपलोड करे हुए इसके जो नाली के तो आपने जाके अजंता न्यूज़ पे देख सकते हैं कितने गाड़ियों को प्रॉब्लम हुई थी जाने के लिए हॉस्पिटल में जाने के लिए। तो मुकम्मल हो गया काम जो आपने देखे ग्रामीण रुग्णालय में जो जाने के लिए हॉस्पिटल में तो इस तरीके की मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। जब डिलीवरी पेशेंट हुआ एक्सीडेंट पेशेंट हुआ इमरजेंसी जो भी पेशेंट हुआ तो नाली से पार होने के लिए बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। कोई भी गाड़ी हो रात के 2 बजे 12 बजे 1 बजे एम्बुलेंस को भी इतना जो जाने के लिए रास्ता नहीं था। तो आज अजंता ग्राम पंचायत ने जो वहाँ का काम ओके कर डाली ये वीडियो में आपने देखे। इसी तरीके से अपडेट आपको देते रहेंगे। अजंता न्यूज़ को लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो वीडियो कमेंट में।